नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HJ न्यूज। हिंदुस्तान का जांबाज पायलट विंग कमांडर अभिनंदन आज लौटने वाला है घर। आज के दिन हिंदुस्तान के लिए बहुत खास है क्योंकि हमारे राष्ट्र का जांबाज हिंदुस्तान लौटने वाला है। पूरा राष्ट्र इंतजार कर रहा है अभिनंदन का। अभिनंदन की वतन वापसी के बाद क्या क्या होगा? पाकिस्तान के कब्जे में मौजूद भारतीय पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को आज भारत को सौंपा जाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि उन्हें शुक्रवार को भारत को सौंप दिया जाएगा। पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर हवाई हमला किया। इस हमले के जवाब में पाकिस्तान ने भी 27 फरवरी को भारत पर हवाई हमला किया था और इस दौरान अभिनंदन MiG-21 लेकर उड़े थे, लेकिन पाकिस्तानी एयरफोर्स के हमले में विमान पाकिस्तान के कश्मीर में गिर गया और वहां पर अभिनंदन को कब्जे में ले लिया गया। उसके बाद उन्हें भारत वापस लाने के प्रयास चल रहे थे। विंग कमांडर अभिनंदन को वाघा बॉर्डर से भारत वापस लाया जा रहा है। उनके माता पिता भी उन्हें वाघा बॉर्डर लेने जा रहे हैं। जिनेवा कन्वेंशन के तहत किसी भी युद्धबंदी को एक हफ्ते के अंदर रिहा करना होता है और उसे एक तय प्रक्रिया के अनुसार उसके देश को सौंपा जाता है। अभिनंदन को भारत को सौंपे जाने से पहले और बाद में क्या क्या होगा, चलिए ये जानते हैं। सबसे पहले होगी उनकी मेडिकल जांच। जी हाँ, इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी अभिनंदन को अपने साथ ले जाएगी और उनकी पूरी जांच की जाएगी। ये जांचा जाएगा कि कहीं उन्हें कोई जिस्मानी नुकसान तो नहीं है, कोई ड्रग्स तो नहीं दिया गया है, कोई मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना तो नहीं दी गई है, क्योंकि जिनेवा कन्वेंशन के तहत ये जाँच उनकी जिम्मेदारी बनती है। इसके दस्तावेज तैयार किए जाएंगे, उसके बाद भारतीय वायुसेना को सुपुर्द किए जाएंगे। भारत आने के बाद वायुसेना अपनी मेडिकल टीम से सबसे पहले उनकी 100% जांच कराएगी। इसके लिए विशेषज्ञ भी नियुक्त कर दिए गए हैं। उसके बाद विंग कमांडर से बातचीत होगी, इंटेलिजेंस डिब्रीफिंग होगी कि आपके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, पूरी तहकीकात की जाएगी। पाकिस्तान में क्या व्यवहार किया, उन्होंने क्या पूछा, क्या बातचीत हुई, ये सब कार्यवाही की जाएगी। फिर सरकार को इसकी रिपोर्ट दी जाएगी। भारत सोचता है कि कुछ आपत्तिजनक चीज़ें हुई हैं तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पेश किया जाएगा। अभिनंदन भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर हैं। उनके पिता भी एयरफोर्स में थे, उनके भाई भी एयरफोर्स में हैं। अभिनंदन 2004 में सेना में शामिल हुए थे। अभिनंदन के कब्जे में आने के बाद भारत की सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल रही थी। शुरुआत में कुछ वीडियो वायरल हुए थे जिसमें वो जख्मी दिख रहे थे। वहीं एक वीडियो में अभिनंदन को पीटते हुए भी लोगों ने देखा। एक अन्य वीडियो में अभिनंदन की आंखों में पट्टी थी, वो कह रहे थे, मेरा नाम विंग कमांडर अभिनंदन है, मेरा सर्विस नंबर 27981 है, मैं एक फ्लाइंग पायलट हूं और मैं हिंदू हूं। इसके बाद एक और वीडियो जारी किया गया, हालांकि सारे वीडियो हटा लिए गए। बाद में पाकिस्तानी सेना ने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया, एक वीडियो में ये भी दिखाई दे रहा था। कैसी लगी ये खबर, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग HJ न्यूज़।